तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं रिसोर्ट से और टाइम हुआ है शायद 12 तो नहीं बट 11:30 हो चुके हैं और इधर से कुछ एडवेंचर वाली जगह पे जाएंगे, थोड़ा मतलब ट्रैकिंग वाली जगह ऐसा कुछ बोल रहे हैं, अभी क्या है पता नहीं। इधर तो कुछ ज्यादा ट्रैकिंग होता नहीं है क्योंकि अपने बड़े बड़े ट्रैकिंग किए थे तो ये तो कुछ लगता ही नहीं हमें, छोटा सा ट्रैकिंग। और ये रहो देखा रूट, जब आए थे तब बारिश थी तो मैंने नहीं दिखाया, अब रूट दिखा दिया अच्छा खासा। और हाँ, मैंने ग्लव्स निकाल दिया बिकॉज ऑफ पूरे ग्लव्स गीले हो चुके थे, उसमें से कलर निकल रहा था और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, तो मैंने सोचा निकाल ही देते हैं, अभी तो चलेगा, धीरे धीरे जाना है तो अभी वैसे भी उतनी एनर्जी है नहीं कि भगा पाए और चलेगा। चलो बाकी ग्लव्स तो पहनने, अच्छा ग्रिप रहती है और सेफ्टी भी है। तो ये सारे लोग जा रहे हैं झूलते झुलाते बाइक को और आने वाला है बहुत ही मज़ा ये व्लॉग में भी। पिछला व्लॉग नहीं दिखा है तो देख लेना जाके पहले, उसके बाद ये देखना, डायरेक्टली ये मत देखना क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से, वो देखोगे ना तो। रोड थोड़े सूखते हो ना तो मतलब चलाने को मज़ा आता है, नहीं तो क्या होता है कि टायर ऐसे स्कीड हो जाता है पूरा और ब्रेकिंग भी अच्छी नहीं होती उतनी बारिश की सीजन में, कभी गिर जाए कभी लंबे हो जाए पता भी नहीं चलता। तो भाई आज की राइड वन वे होगी 200 किलोमीटर या 210 किलोमीटर अराउंड, चलो 200 किलोमीटर गिन लो आप और वापस 200 किलोमीटर मतलब 400 किलोमीटर की राइड हो ही गई। चलो अपन 500 रख देंगे राउंड ऑफ करके क्योंकि इधर उधर घूमना है तो उतने हो जाएंगे, तो 250 किलोमीटर की राइड होगी अभी। तो यार रूट की जो मजा होती है ये होती है, और ये देखो इतना मस्त रूट, ऐसा रूट कहाँ ही मिलेगा यार। अब बता नहीं इधर से कितना है जहाँ जाना है, वो 15-20 किलोमीटर तो होगा ही होगा। और ऐसी बस ऐसा मौसम हो मतलब बारिश ना आए ना तो अच्छा रहता है, बारिश आती है ना तो क्या क्या विजन कम हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी तो चलता है। और सारे लोगों की बाइक तो बहुत ही गंदी हो चुकी है, कीचड़ वीचड़ फंस गया पूरा अंदर। तो अभी 2-3 लोग तो इधर से भी ज्वाइन हुए पालनपुर से हमको, तो 17-18 लोग हो गए पूरे ग्रुप में हमारे, तो बहुत ही बढ़िया ग्रुप बन गया अभी और मस्ती वाले सारे लोग, तो मस्ती वस्ती भी अच्छी खासी हो रही है। और वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, मतलब पेट भर लिया अभी, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये रास्ते ऐसे है ना कि रास्ता खत्म ही ना हो, खत्म ही ना हो, खत्म ही ना हो, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और हाँ पेट्रोल भी खत्म ना हो, पेट्रोल खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, मैंने 600-700 का डलवाया था शायद उतना था हाँ, तो वो खत्म हो गया और फिर से 600 का डलवा दिया मैंने इधर, अभी पता नहीं आगे और कितना डलवाना पड़ेगा, आई डोंट नो। एवरेज तो ज़्यादा नहीं मिलती है, 25-26 के बीच में एवरेज है इधर, इसमें अभी इतनी हो गई क्योंकि टाइम हो गया इस बाइक को तो हो गई इतनी भाई, 6 साल होने आए। ये देखो ना आप 2016 दिसंबर का मॉडल था, मतलब 2017 गिन लो, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, मतलब ये 7वां साल रनिंग है इस बाइक का, तो अभी तो इतना तो रहेगा भाई, डोंट वरी कोई बात नहीं, अभी अपग्रेड हो जाएगा जल्दी, अपग्रेड तो नहीं कह सकते बट दूसरा आ जाएगा, अपग्रेड तो करना ही नहीं था मुझे, हाँ मतलब इसको रख के अपग्रेड करना था, इसको बेच के नहीं। तो गाइस टाइम हुआ है 12:30 मतलब 1 बजने आए अभी, और ये देखो मौसम ऐसा ही है, धूप धूप नहीं निकली है और हम पहुंच चुके हैं नियर टू अंबाजी। तो ये देखो माउंटेन्स आने चालू हो गए इधर देख रहे हैं आगे, तो अंबाजी आ गया है मतलब नियर बाय है 30-40 किलोमीटर, तो 1 घंटे में पहुँच सकते हैं हम लोग, बट वहाँ नहीं जाना है, उससे पहले एक पॉइंट है वहाँ पर जाना है। आपने माउंट आबू वाला व्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना, वो हम अंबाजी से ही गए थे और हमारे चैनल पे माउंट आबू के व्लॉग की सबसे ज़्यादा व्यू है, तो वो आप देख लेना, वो व्लॉग बहुत ही पसंद आया लोगों को। तो ऐसा कुछ ऐसी कुछ सीरीज और ऐसा कुछ व्लॉग और भी बनाएगी आगे, मेरा प्लान है ही, अभी थोड़े दिन रुक जाओ बाकी वैसी कोई ट्रिप करेंगे अभी, और मज़ा आ रहा है बहुत ही, थक गए नींद भी आ रही है बहुत कुछ है बट मज़ा भी आ रहा है क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते, ये ओनली फॉर वीकेंड के लिए है, बाकी तो रोज़ सब अपने काम में होता है, हम खुद अपने काम में होते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। तो ये एक रिफ्रेशमेंट है, एंजॉयमेंट है, माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है, अच्छा है। ये देखो सारे लोग फुल एनर्जी में फुल फॉर्म में और जोश में आ गए क्योंकि रोड सूखे इधर और थोड़ी थोड़ी धूप आ गई, तो अच्छा खासा मिल जाए लोगों को पकाने के लिए। वाह 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 वाह। तो भाई एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या है, बट ये देखो गांव वाले रूट से जा रहे हैं, बहुत ही ऐसा है, सिंगल रोड है मतलब वन साइडेड रोड और पर्वत है चारों ओर पर्वत है और बीच में ये गांव है, तो गांव से होकर ये रास्ता जाता है ऐसा है। ये देखो पर्वत देख सकते हो, फॉग देख सकते हो, मतलब आ हा महाराष्ट्र वाली फील आ गई मुझे, महाराष्ट्र में ना इससे तो बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे सीन,
बट ये भी कुछ कम नहीं है। महाराष्ट्र की तो बात ही कुछ अलग है यार, बात ही मत पूछो। तो मंथ एंड में महाराष्ट्र जाने का प्लान है, अभी ट्रैकिंग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नया कुछ और मजा आएगा, नया कुछ दिखाऊंगा आपको। ओ भाई ये रहा दूसरा डेस्टिनेशन। ओ हो मतलब रिएक्शन मिले बहुत सारे, मुझे लगा कोई नहीं होगा बट बहुत सारी गाड़ियां है इधर और पब्लिक आ ही रही है। ओ भाई इधर देखो ऐसे पूरा ढाल वाला रोड है, ढलान है पूरी ढलान, मतलब पहले गियर में फुल थ्रॉटल देके चढ़ा लो और ये रिएक्शन देखते ही जाओ। ये देखो रिएक्शन, फुल ऑन एडवेंचर भाई, फुल ऑन एडवेंचर। पब्लिक कहाँ की हमारी, पीछे वाली पब्लिक, दो मिनट रुको। क्या हाँ चालू है ना, रास्ते का आया पूरा पूरा मस्त है एडवेंचर। आपको मैंने आवाज दी आपने सुना ही नहीं। अच्छा। एडवेंचर फुल ऑन चल रहा था, नहीं मजा आ गया। क्रॉप कर करके देना जो अभी आया था ना अंदर, रिएक्शन तो देखो मतलब खतरनाक। ये जो ढाल वाला रोड था ना मस्त था। ए अगर ये लोग ऐसे सीधे नहीं चले गए ना, दो रोड थे ना, सीधे तो नहीं चले गए ना ये लोग, वो गाड़ियां थी ना सीधे, तो आगे सीधे नहीं चले गए ना ऐसा। ये बड़ी दिक्कत है यार, पता नहीं क्यों नहीं ग्रुप, दो रोड थे एक सीधा जा रहा था। तो एडवेंचर कंटिन्यूस हो ही रहा है, मतलब रूट देखो खाली आप। और गाड़ी वाले जो लोग है ना वो गाड़ी बाहर पार्क कर दी और वो लोग ना चल के जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी तो अंदर आ नहीं सकती, और ये है पूरा एडवेंचर वाला रूट। तो बाइक लेके हम लोग अंदर आ गए, ये देखो चल के लोग जा रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा खतरनाक सा रोड है, एक दो लोग तो चला भी नहीं पा रहे और R15 वाले को ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि एडवेंचर बाइक है ही नहीं वो, और ये रोड प्रॉपर एडवेंचर वाला है। और ये अपनी RS है ना, थोड़ी कंफर्ट है इसमें, टूरिंग स्पोर्ट बोलते हैं, तो टूर भी कर सकते हो और स्पोर्ट्स तो है ही, तो ऐसी चीज़ है। इतना एडवेंचर पहली बार किया, वो भी बाइक में, थोड़ा थोड़ा किया था बट ये कंटिन्यू ऐसा रूट तो था ही नहीं, क्योंकि क्या है अपन ने अभी लंबी ट्रिप कोई की नहीं है भाई इतनी, तो वो करेंगे ना सब, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाएगा। और लद्दाख भी एक बार जाएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है नहीं जाएंगे, एक बार तो एक्सपीरियंस कर लेंगे। लोगों का जैसा नहीं है कि बार बार एवरी ईयर जाना है, बट एक बार जरूर जाएंगे। मतलब मेरा मानना यही है कि एक ही जगह पे बार बार जाएंगे तो दूसरी जगह को टाइम दे ही नहीं पाएंगे ना, नई नई जगह एक्सप्लोर करनी है। तो ऐसा कुछ है मेरा थॉट कि अलग अलग जगह पे जाना है। उसके बाद ऐसा लगा कि ये जगह पे दूसरी बार जाने ही जैसा है, तो ज़रूर से जाएंगे। बाकी तो जिस जगह पे जाएंगे उसको एक्सप्लोर करके ही आएंगे पूरा A to Z। तो ये देखो कुछ छपरी राइडर भी इधर होते हैं जो ऐसे परेशान करते हैं थोड़े, क्योंकि जोश में आ जाते हैं ना, बोलते हैं ना कि बाइक को देख के जोश में आ जाते हैं, तो ये वैसे वाले राइडर है। खतरनाक सा रूट है ना, मतलब पूरा पहाड़ चढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये जो लोग चल के आते हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत होगी ना। हाय 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 हाय, और पब्लिक रिएक्शन इतने मिल रहे हैं कि पूछो ही मत। मुड़ मुड़ के ना देख। खतरनाक है भाई ये, मतलब पूरा मसाज कर दिया बॉडी का, एडवेंचर करते करते पूरी बॉडी हिल गई हमारी। वो बताए क्या बोल रहा है, बताए कि कैमरा देखो मुंह में डाला है। अरे भाई मुंह में नहीं डाला, हेलमेट में माउंट किया हुआ है, बंदे को क्या ही बता, बच्चा है छोटा सा। तो छोटे बच्चे हो क्या? हाँ ऑफकोर्स छोटा बच्चा ही हो, उसको क्या बताओगा यार, कुछ नहीं, तो शायद हम लोग पहुँच गए ज़्यादा। ओहो भाई कंटिन्यूस खतरनाक सा एडवेंचर हो गया। फाइनली पहुँच गए, ये रहा पूरा, मतलब इधर पार्किंग करना पड़ेगा। चलो कुछ लोग आए, मुझे लगा कोई नहीं आया बट काफ़ी सारे लोग आ गए इधर। फाइनली वी आर पहुँच गए। मस्त है भाई, बॉडी मसाज हो गया पूरा। अच्छा खासा एडवेंचर हो गया नहीं। तो फाइनली वी आर एट पनियारी घाट, तो मुझे लगा था इधर टेंपल वेम्पल हो गया, बट टेंपल तो है प्लस माउंटेन्स है प्लस वाटरफॉल भी है। तो ये इधर वाटरफॉल है, सारे लोग नहा रहे हैं और हमारे लोग ऊपर चले गए, तो बोला कि ऊपर भी अच्छा व्यू आता है और ऊपर भी वाटरफॉल है, तो ऊपर जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कैप इसीलिए पहनी है क्योंकि बाल पूरे तितर बितर हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो मैंने सोचा भूत वाला लुक दुखा अच्छे सा कैप ही पहन लेते हैं। क्या चिंटू भाई क्या सिखा रहे हैं, मुझे सिखाओ चिंटू भाई, मुझे सिखाओ। मेरी तो हालत पतली हो जाएगी भाई। अच्छा है ना, 2-4 किलो कम हो जाएगा, 2-4 किलो 20-25 किलो कम हो जाएगा। क्या रजत भाई, एडवेंचर किया मस्त हुआ? बिल्कुल बहुत मस्त। अरे रजत भाई तो हमारे आगे आगे ही थे, 800 की गर्मी लेते लेते जा रहे थे। तो ये एक टास्क है हेलमेट के साथ चढ़ने का बस। अच्छा, आपने ट्रैकिंग वैकिंग किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बढ़िया है।
तो ये रहा एक और वाटरफॉल ऊपर, तो चलो हमारे ब्रदर्स पहुंचे ऊपर। यू कैन डू इट। मेरे तो हालत अच्छे हैं। ये भाई की 4-5 किलो कम करके रखेंगे हम। तो मैं बैठा हूँ इधर और दूसरे लोग नहा रहे हैं वाटरफॉल में। मुझे नहीं नहाना यार, थक गया हूँ। क्या भाई? नहीं नहाना है भाई हमें, आप लोग नहा लो। मैं तो बहुत नहाया भाई। ये देखो सारे लोग ये मजे करते हुए। ए, अपने लोग साउट आउट करो थोड़ा। 1 2 3 1 2 3। ए, एक मिनट। 1 2 3 बोलो जा रहे हैं अपने। चलो चिंटू जी रेडी। 1 2 3। पानी उड़ा दिया पानी। जय हो बाइकर्स क्लब ऑफ कड़ी। जय हो।